बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें ग्रामर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। वेल, आई एग्री विद दिस पॉइंट, लेकिन मैं एग्री जो है कुछ हद तक ही हूँ। क्योंकि देखो, सही बात है, एक जो बच्चा होता है वो कोई भी लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज वो सराउंडिंग से सीखता है। सबसे पहले वो सुनता है, सुनने के बाद वो बोलने की प्रैक्टिस करता है। जब वो बोलता है उन वर्ड्स को तो शुरुआत में वो हकलाता है, राइट? फिर धीरे 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 प्रैक्टिस है वो धीरे धीरे उस लैंग्वेज को सीखने लग जाता है और बोलने भी लग जाता है, राइट? सो लेकिन अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट अगर आपको सीखनी है, जब भी आप किसी के सामने कम्युनिकेट करो, राइट? मतलब आप बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलो, मतलब ना ही आप किसी भी ग्रामर की मतलब मिस्टेक ना करो, मतलब ना आप टेंस की करो, ना आप सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, डू, डज, डिड, इन सब की आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करो, मतलब बिल्कुल आप परफेक्ट इंग्लिश बोलो। जिस सेंस में बात हो रही उसी सेंस में आप आंसर भी दो, राइट? सो उस चीज़ के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत है और होगी भी। सो इसी लेसन में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब इस लेसन में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर पढ़ाने जा रहा हूँ। आई होप यू विल बी वॉचिंग दिस वीडियो बी केयरफुली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं, राइट? सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट कहाँ पर इस्तेमाल होता है। जो भी हम उठने से लेके सोने तक जो भी काम करते हैं, हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, जो भी काम आप सोने तक करते हो वो सारा जो एक्शन है वो किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। कोई भी जो रिपीटेड एक्शन है वो किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। चलिए अब हम रूल की बात करते हैं, किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, राइट? जी, सबसे पहले रूल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो रूल जो होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी यूज करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस किसके साथ यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, कोई भी प्लूरल हो, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, नेम, कोई नाम या कोई भी सिंगुलर है, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे, राइट? जैसे आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अब यहाँ पे आई के साथ मैंने गो यूज किया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया, क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है इसलिए मैंने वहाँ पे गो यूज किया, ना कि गोज। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि वह मॉर्निंग वॉक पे जाता है, ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक, अब यहाँ पे मैंने गोज यूज किया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, राइट? अब देखो, सबसे पहले हम जो है चारों फॉर्म, मतलब सिंपल अफर्मेटिव जो फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म और WH फॉर्म, हम के सारे रूल देखते हैं। सो रूल मैंने जो है अफर्मेटिव मैंने बता दिया है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव का रूल जो हो जाएगा वो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का रूल हो गया। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में जो है डू डज पहले आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं WH फैमिली की। WH फैमिली मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे WH फैमिली कहलाती है। तो इनसे कैसे रूल होगा? WH सबसे पहले, उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब बात करते हैं कि डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है। जब भी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, मतलब आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल हो, उसके साथ लगेगा डू, और सिंगुलर हो, मतलब ही, शी, इट, नेम, कोई भी सिंगुलर हो, उसके साथ लगेगा डज, ठीक है? तो गाइज, ये था सारा ब्रीफली मैंने किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, किन किन चीज़ों की हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे, तब सिंपल प्रेजेंट के बारे में। अब मैं बात करता हूँ, देखो क्या होता है ना कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, इंग्लिश में कोई भी चीज़ सीखते हैं, सीख तो लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन जब वेन इट्स टाइम टू प्रैक्टिस ऑफ दैट थिंग, जब उस चीज़ की प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो हमारा माइंड जो है ब्लर हो जाता है। ब्लर कैसे हो जाता है? क्योंकि देखो, जब भी आप इंग्लिश सीखते हो,
जब भी आप कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो इंग्लिश सीखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो आपको डायरेक्टली पहले ही दिन है ना कोई टॉपिक दे देते हैं, भाई इस टॉपिक के बारे में बोलो। कैसे बोलेंगे, जब हमें हमारे माइंड में कोई ना ही ग्रामेटिकली हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ना ही हमारे माइंड में कोई वोकैबुलरी है, किस तरीके से हम उस टॉपिक पे बोल पाएंगे। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आज आपका मेरे साथ पहली क्लास है, राइट। अब इस क्लास में आपको ना मैं कोई टॉपिक दूंगा। अब हम जो है इसमें सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, राइट। सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट को हम किस तरीके से हम सीखें कि भाई जब भी हमें सिंपल प्रेजेंट की जब बारी आएगी यूज करने की इंग्लिश में, तो इसको परफेक्ट तरीके से जब भी हम किस तरीके से परफेक्ट तरीके से हम इसको बोलें, राइट। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस उठाना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, राइट। अब इसको जो है सारे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं बताता हूँ, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई डू नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, डू आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वाई डू आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वैसे हम खुद से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। वह जो है मॉर्निंग वॉक पे जाती है, शी गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, शी डजंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वाई डज शी गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, राइट। डज शी गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वह बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, He studies a lot. He doesn't study a lot. Does he study a lot? Why does he study a lot? Right? वह जो है रोज एक पेज लिखता है, He writes a page daily. He doesn't write a page daily. Does he write a page daily? Why does he write a page daily? Guys, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी टेंस की, या फिर कोई भी ग्रामर आप ग्रामर सीखते हो इंग्लिश में, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, डेफिनेटली यू विल बी फ्लुएंट बाई यूजिंग दिस ट्रिक, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये ट्रिक अगर आप अपनाओगे, क्योंकि देखो इस चीज़ में ना आपको पता चल जाएगा, जब आप इस तरीके से आप बनाओगे, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव या अफर्मेटिव की, तो आपका माइंड डायरेक्टली उस तरीके को ना मतलब कैच करने लग जाएगा कि हाँ किस चीज, पता चल जाएगा आपको कि किसके साथ आपको डू लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ आपको डज लगाना है, कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज करनी है, राइट। सो ये था गाइस सिंपल प्रेजेंट के बारे में। अब मैं बात करता हूँ सिंपल पास्ट की, सिंपल पास्ट की बात करता हूँ। जैसे सिंपल पास्ट जो है, पास्ट में कोई भी एक्शन कंप्लीटली फिनिश हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। जैसे मैं अपनी वाइफ से जो है 6 साल पहले मिला, आई मेट माई वाइफ 6 years ago। 6 साल पहले मैं क्या मिला, मेरी वाइफ से मिला। अब ये बात किसकी हो रही है, 6 साल पहले की हो रही है, मतलब 6 साल पहले ही वो एक्शन जो हो कंप्लीट हो गया, राइट। सो इस सिचुएशन को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ रूल की। वैसे हिंदी में अगर पहचान हो, जैसे या, ये, यी, मैं उससे मिला, मैंने खाना खाया, मैंने उससे कहा, मैंने वीडियो बनाई, राइट, मैंने गाने सुने, इस तरीके की सेंस आएगी सिंपल पास्ट में। अब रूल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रूल जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव रूल है। उसके बाद अगर नेगेटिव की बात मैं करता हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बात ध्यान ये रखने की है कि डू, डज और डिड, तीन ऐसी जो वर्ब हैं हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको बात ध्यान रखने की है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। सो नेगेटिव क्या होगा गाइस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं बात करता हूँ इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH की बात करता हूँ, तो WH में क्या हो जाएगा, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारे रूल हैं, ठीक है। अब उठाते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं उससे कल मिला, आई मेट हिम यस्टरडे, I didn't meet him yesterday. Did I meet him yesterday? Why did I meet him yesterday? अब देखो ध्यान से बात समझना, जब भी मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली मैट से मीट में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, राइट। मुझे पता है कि देखो, जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी समझ जाओगे कि किस चीज़ के साथ किस चीज़ किस फॉर्म को यूज करना है। प्रैक्टिस से सारी चीज़ होगी गाइस,
प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप कोई भी अचीवमेंट कर लोगे। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। मैंने उसे कल 500 रुपये दिए, आई गेव हिम 500 रुपीज यस्टरडे। आई डिंट गिव हिम 500 रुपीज यस्टरडे। डिड आई गिव हिम 500 रुपीज यस्टरडे? व्हाई डिड आई गिव हिम 500 रुपीज यस्टरडे? मैंने उसे कहा, आई सेड हिम। मैंने उसे नहीं कहा, आई डिडंट सेड से हिम, सॉरी। क्या मैंने उसे कहा, डिड आई से हिम? मैंने उसे क्यों कहा, व्हाई डिड आई से हिम? उसने कल मुझसे झूठ बोला, शी टोल्ड मी अ लाई यस्टरडे। शी डिडंट टेल मी अ लाई यस्टरडे। डिड शी टेल यू लाई यस्टरडे? Why did she tell you lie yesterday? मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया, राइट? सो ये था सिंपल पास्ट के बारे में। अब मैं बात करता हूँ सिंपल फ्यूचर के बारे में। देखो, सिंपल पास्ट में ना मैंने आपको तरीका बता दिया, आप बहुत सारे एग्जाम्पल गूगल से या किसी भी चीज़, कहीं भी किसी बुक से आप उठा लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप जो है इंग्लिश को सीखते चले जाओगे। इंग्लिश में जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो इजीली आप बना पाओगे, और किसी भी वे में अगर आप उस सेंटेंस फॉर्मेशन को इस्तेमाल करना होगा तो आप इजीली उसको डेफिनेटली विदाउट ए फियर आप बोल सकोगे उसको। अब मैं बात करता हूँ सिंपल फ्यूचर की बात। सिंपल फ्यूचर बहुत ही इजीली है। फ्यूचर में मतलब बात करनी हो, जैसे मतलब मैं वहाँ जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं उससे मिलूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा, राइट, मैं पढ़ूँगा, राइट, तो ये गा गे गे हिंदी में सेंस हो जाएगी। सिंपल में कोई फ्यूचर में कोई काम होगा आप करोगे, मतलब फ्यूचर में। रूल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद विल एंड शैल यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये है अफर्मेटिव सिंपल फ्यूचर का। नेगेटिव अगर बात करनी हो तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव हो गया। अब मैं बात करता हूँ इंटरोगेटिव की। विल और शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले डब्ल्यू एच, उसके बाद विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये डब्ल्यू एच का हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, वैसे स्पोकन इंग्लिश में हम जो है विल ही यूज करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, बट मेनली आई और वी जो है उसके साथ हम शैल यूज करते हैं, बट स्पोकन इंग्लिश में हम विल यूज करेंगे सभी, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ। आपको ध्यान रखना है ये बात भी। अब एग्जाम्पल बनाते हैं। मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट हिम टुमोरो। I will not meet him tomorrow. Why will I meet him tomorrow? Right? Will I meet him tomorrow? ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कल जो है 2 घंटे पढ़ूंगा। I will study for 2 hours tomorrow. I will not study for 2 hours tomorrow. Will I study for 2 hours tomorrow? Why will I study for 2 hours tomorrow? इस तरीके से आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है। मैं कल जो है उसे 500 रुपये दूंगा, आई विल गिव हिम 500 रुपीज। आई विल नॉट गिव हिम 500 रुपीज। विल आई गिव हिम 500 रुपीज? वाई विल आई गिव हिम 500 रुपीज? राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कल इंग्लिश सॉन्ग सुनूंगा, आई विल लिसन टू द इंग्लिश सॉन्ग। आई विल नॉट लिसन टू द इंग्लिश सॉन्ग। विल आई लिसन टू द इंग्लिश सॉन्ग? Why will I listen to the English songs? Guys, इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। मैंने बता भी दिया किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपके ऊपर ये बात है कि आप प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ गाइज, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप जब भी आप किसी भी टेंस में, इन्हीं की बात नहीं कर रहा, किसी भी टेंस की आपको टेंस में किसी से कम्युनिकेट करना हो तो आप डेफिनेटली बिना फ्यूर आपके अपने आप जो टंग से वो निकलेगा कि हाँ भाई मैंने ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक बोला है, मैंने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, मैंने विल के साथ वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं लगाई, राइट, अपने आप वो बोलेगा, राइट, अपने आप जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप आपके मुँह से निकलेगी ये बात कि भाई हाँ भाई मैंने ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक बोला है, राइट। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी
ग्रामर सीखने की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन नेवर नेवर मिस एनी काइंड ऑफ वीडियो जो भी मैं आप यूट्यूब पे अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।